माता मनसा देवी मंदिर के पास बनी प्रसाद की दुकान में कुछ लड़कों ने दुकानदार व कर्मचारी पर ईंट पत्थरों से हमला कर उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। मौके पर पुलिस पीसीआर को देखकर आरोपी लड़के दुकानदार की जेब से हजारों रुपए छीनकर फरार हो गए। एमडीसी थाना पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। भेसा टिब्बा निवासी बलविंदर सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका बूथ नंबर 293 मार्केट मंदिर माता मनसा देवी में प्रसाद की दुकान चलाते हैं। बता दें कि शिकायतकर्ता व दिनेश कुमार अपनी दुकान पर प्रसाद बेच रहे थे। उसी दौरान दो लड़के दुकान के पास शराब के नशे में बात करते हुए गालियां दे रहे थे। शिकायतकर्ता ने लड़कों को गालियां देने के लिए रोका तो वे दोनों लड़के उनके साथ बहस करने लगे और वहां से चले गए। उसके बाद करीब 15 से 20 मिनट के बाद दोनों लड़के अपने साथ काफी सारे लड़कों को लेकर आए और उन पर लाठी डंडों के साथ हमला कर दिया। दोनों अपनी जान बचाने के लिए जय मां प्रसाद भंडार की तरफ भाग गए, लेकिन सभी आरोपी वहां पर भी आ गए और वहां पर जूता घर के पास खड़े लालू को भी पत्थर फेंक कर मारने लगे। शोर सुनकर पुलिस की गाड़ी आई, जिसको देखकर सभी आरोपी वहां से भाग गए। आरोपी जाते जाते शिकायतकर्ता की जेब से करीब 19,400 रुपए तथा दिनेश की जेब से करीब 9,500 रुपए की नकदी निकाल कर ले गए, जिसके बाद सभी को उपचार के लिए सेक्टर 6 स्थित सामान्य अस्पताल में पहुंचाया गया। आरोपियों की करतूत दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। एक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, दुकानदार से मारपीट की गई कुछ लोगों द्वारा और पैसे भी छीने गए हैं। क्या ये मामला, क्या कर रही है पुलिस? उसमें सामने मुकदमा दर्ज किया है 148/49/303 का। ये पहले भी इनकी आपसी कोई रंजिश थी, पहले वो गाड़ी क्लोज करके गए, फिर बाद में जब इन्होंने इसका विरोध किया, 3-4 लड़के मोटरसाइकिल पे आके इनको मार पिटाई करके मोटरसाइकिल हमने बरामद कर ली है और शाम तक वो लड़के भी मतलब अरेस्ट कर लेंगे हम उनको। तो कि जो कितने लोग घायल हुए थे इस घटना में? उसमें 3 आदमी घायल हुए थे, तीनों को चोट ब्लंट आई है, जिसमें हमने 303 दर्ज लगाई है FIR नंबर। तो नकदी भी लेके फरार हुए थे उनकी? वो नकदी फरार नहीं, तो लड़ाई में पैसे गिर गए थे उनके, वहाँ लड़ाई में वहाँ पर काफ़ी लोग थे, पता नहीं कौन उठा के ले गया 9,000 रुपये का बता रहे थे, वो लड़ाई में गिरे थे। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6,00,000 रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।